हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हम उपस्थित हैं फिर से आपके सामने मैजिकल केमिस्ट्री विद मी के साथ एक नया वीडियो लेकर, जो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज में एक नया पार्ट ऐड करेगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, नाभिकीय मॉडल ऑफ एटम, नाभिकीय मॉडल एटम का। तो जैसा कि है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, सीधा सीधी सी बात है कि इस एटॉमिक मॉडल को किसने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डेवलप किया। इन्होंने इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड नाभिक की खोज कर रहे थे, न्यूक्लियस की खोज कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग की थी एक गोल्ड की पतली सी फॉइल पर। उसी एक्सपेरिमेंट में ये आगे देखते हैं, तो एक्सपेरिमेंट वही है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, जो मेनली फाइव हैं। और ये फाइव जो इनके कंक्लूजन निकले उस मॉडल के, इस एक्सपेरिमेंट के ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, यानी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के अनुसार मॉडल कैसा होता है, यही इस पार्ट में बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो, एटम इज वेरी स्मॉल स्फेरिकल न्यूट्रल पार्टिकल, इट हैज टू पार्ट्स। क्या मतलब हुआ? एटम बहुत छोटा सा स्फेरिकल गोलाकार न्यूट्रल उदासीन पार्टिकल होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड सेकेंड लार्ज एरिया आउटसाइड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन आर मूव्ड या प्रेजेंट। मतलब क्या हुआ कि सेंटर का पॉजिटिव एरिया, जिसको हमने कल बताया था कि न्यूक्लियस पॉजिटिव एरिया, और उसके बाहर का सेंटर से जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा का मतलब नहीं ब्रह्मांड, बहुत बड़े का मतलब है कि वो छोटे से पार्टिकल का न्यूक्लियस इतना छोटा है कि उस न्यूक्लियस के कंपैरिजन में जो बाहर का हिस्सा है वो बहुत बड़ा है, जहां पर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम एंड अप्रोक्सीमेटली टोटल मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। मीन्स कहा गया कि अगर आप न्यूक्लियस का वजन करो और टोटल एटम का वजन कर लो तो उनमें बहुत माइन्यूट सा फर्क आता है, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि एटम का जो भी वजन है या जो भी मास है वो कम लगभग लगभग उसके न्यूक्लियस के मास के बराबर हो जाता है। सो थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट जो है आपका कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम एंड अप्रोक्सीमेटली टोटल मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस की खोज के समय आपने देखा ही था कि मैंने बताया था कि न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और अप्रोक्सीमेट टोटल मास, लगभग पूरा वजन जो है एटम का, मास जो है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे। मीन्स न्यूक्लियस को अगर हटा दिया जाए एटम के अंदर से तो वो बहुत हल्का, ना के बराबर उसका वजन रह जाता है। थर्ड पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट सराउंडिंग द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट सराउंडिंग द न्यूक्लियस मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। यहाँ अगर आप फिगर देखोगे, देखिए आप इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो ये ब्लू ब्लू डॉट्स के रूप में, ये रेड घेरा जो है आपका न्यूक्लियस को दिखा रहा है, और ये छोटे छोटे ऑर्बिट्स हैं, फर्स्ट ऑर्बिट देन सेकेंड देन थर्ड। तो इस तरह से दिखाया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है बराबर किसके सराउंडिंग में, न्यूक्लियस
सराउंडिंग में घूमता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट सराउंडिंग द न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे घूमता है, रिवॉल्व करता है, उसे कहते हैं ऑर्बिट। तो इस तरह से थर्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ निश्चित ऑर्बिट में घूमता रहता है। चौथा पॉइंट क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज एग्जैक्टली सेम एज यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस, सो एटम इज न्यूट्रल। मीन्स अगर एक एटम को खोल दिया जाए और उसमें से सारे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अलग अलग कर दिए जाएं, तो हम पाएंगे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इक्वल होंगे नंबर में, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और एटम जो होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है, पॉजिटिव न्यूक्लियस एग्जर्ट अट्रैक्शन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पांचवे पॉइंट में रदरफोर्ड ने ये कहा कि पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि निगेटिव आके पॉजिटिव से चिपक जाए, ये इतनी दूरी पर फिक्स डिस्टेंस पे क्यों रिवॉल्व करता है। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि जब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, उसी समय चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उस पर एक फोर्स काम करता है जो बाहर की तरफ होता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। मीन्स कि हर इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स काम कर रहे होते हैं जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। फर्स्ट फोर्स अट्रैक्शन फोर्स है जो न्यूक्लियस की वजह से उस पर काम करता है, और सेकेंड फोर्स इसके रिवॉल्यूशन की वजह से उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और न्यूक्लियस द्वारा लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर लेता है, या दोनों फोर्स एक दूसरे को इस तरह से बैलेंस करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने ही ऑर्बिट में लगातार रिवॉल्व करता रहता है और ये अपनी ऑर्बिट से छोटा या बड़ा नहीं करता। इस तरह से रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पे अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, जिसे न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं। इसके अलावा इस मॉडल को प्लेनेटरी वाल मॉडल और सोलर मॉडल भी कहते हैं। क्यों सोलर मॉडल, इसलिए कि सोलर सिस्टम में सन सेंटर है, जैसे कि इसमें पॉजिटिव न्यूक्लियस सेंटर है। सन के चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं और प्लैनेट एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जैसे कि इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो इसीलिए इस जो इनके रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, उसका कंपैरिजन जब सन से किया गया और सन के चारों तरफ घूम रहे ग्रहों से किया गया, तो दोनों एक जैसे लगे। इसीलिए रदरफोर्ड को के मॉडल को, एटॉमिक मॉडल को, या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को सोलर मॉडल भी कहा जाता है, या प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। तो इस तरह से रदरफोर्ड के मॉडल के सब टोटल पांच पॉइंट है। पांचों पॉइंट अगर आप सिंपली कहोगे तो एटम बहुत स्मॉल होता है और न्यूट्रल होता है, इसके दो पार्ट पॉजिटिव और आउटसाइड का स्फीयर जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट आएगा पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो टोटली न्यूक्लियस के अंदर होता है, और लगभग एटम का जो मास आता है वो न्यूक्लियस के मास के लगभग बराबर होता है। और थर्ड पॉइंट की इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में फिक्स ऑर्बिट में मूव करता रहता है। और फोर्थ पॉइंट निकल के आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और लास्ट पॉइंट कि क्यों नहीं पॉजिटिव और निगेटिव चिपक जाते हैं एक दूसरे से, तो वो इसलिए क्योंकि वो फिक्स होता है और उस पर इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स काम करता है, न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ खींचता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर की तरफ खींचता है, और दोनों फोर्स बराबर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन लगातार एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। आपसे उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आ सके, और
हमारे लाइव चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वॉच टाइम बढ़ाएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइबर बढ़ाएं, ताकि हमें भी वीडियो बनाने में काफ़ी आनंद महसूस हो। ओके, बाय।